किस्मत में अगर हुआ तो ये गाड़ी हम लोग जरूर लेंगे। गुस्सा हो के 3 तकिया फेंका गया क्योंकि पेट फट जाएगा पेट। अरे अरे अच्छी चलो आज से शुरू हो जाओ, पब्लिक एंटरटेनमेंट मांगता है, समझे? हाँ, ऐसे क्या करोगे? शुरू हो गया। जमूरे नाच के दिखाएगा? हाँ, मेरा पक्का जमूरा है। जब बोले हूँ, अरे नाच के दिखाएगा, नाचने लगा। नाचो नाचो नाचो, अरे नाचो, अरे नाचो, अरे नाचो 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 रे, पूरा रिदम में नाचो, उससे ऐसे हिलने से थोड़ी ना होगा। तुम्हारा गाड़ी निकल गया, देखो। चलो हम लोग दिन शुरू करते हैं यहाँ से। बोलो, कुछ बोलना है जनता को? हम लोग जब पुरी से भी लौट रहे थे, जहाँ जहाँ मेरा गाड़ी का हॉर्न बज रहा था, पैक पैक जहाँ जहाँ हो रहा था, ये भी मुझसे पैक 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 कर ही रहा था उस वक्त। अब हॉर्न समझ में आ गया है, हॉर्न के बहुत अब बात समझने लगा है, मतलब कुछ भी बोलो वो एक्टिविटी देख के रिस्पॉन्स करना, रिप्लाई करना, क्या पता कितना समझ के करता है या फेशियल एक्सप्रेशन से करता है, लेकिन अब ये होता है बहुत कुछ, है ना? और खांसी हो गया है, हुआ है ना? खांसी हुआ है तुमको? छोटा सा। तो वक्त हो गया है अभी 11:10 या 15 हो रहा है, और आज बड़े अरसे बाद मेरा एक लोकल क्लाइंट का मीटिंग अरेंज हुआ है। मतलब ये भाया मीडिया वाला मीटिंग है, किसी और का क्लाइंट है, मेरे को जाकर डील को क्लोज करना है, फ़ायदा दोनों आदमी मिलकर कमाएंगे। तो चलो, अपना ब्रेकफास्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट में माता जी बनाई थी आज पूड़ी और सब्जी। आदि बाबा अभी अभी सो के उठे हैं, इसलिए आदि बाबा को आदि बाबा की मम्मी खिलाएगी। बाबू भैया का ऑफिस टाइम थोड़ा अजीब सा चल रहा है, भोर 4 बजे निकलता है उस वक्त। हाँ भाई, 3:30-4:15 के बीच में ही निकल रहा है। तो अभी कैब आता है सुबह सुबह उसको लेने के लिए, शायद 5:30 बजे का शिफ्ट है। चलो रेडी होते हैं, निकलते हैं आज मीटिंग में। बहुत ये क्या था ये? घूमने जाओगे? घूमने जाओगे? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है एकदम 12:12, गाड़ी में 12:02। तो चले, काफ़ी दिन बाद एक मीटिंग रूम सिग्नल हो गया। तो ये मीटिंग हमारा पुराना कर्मस्थल है, मतलब सेक्टर 5, सॉल्ट लेक सेक्टर 5। पहले यही टाइम होता था अपने ऑफिस आने जाने का, उसके बाद कोरोना बाबा आए और सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अच्छा, कैसे इन लोग बीच में आ जाते हैं? तो बस यही कोरोना का देन है कि अभी वर्क फ्रॉम होम और थोड़ा सा फ्रीडम मिल गया। बट मेरे लिए ना कोरोना एक वरदान साबित हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कोरोना के बाद ही जो मेरा लाइफस्टाइल या अर्निंग जो चेंज हुआ है, मेरा कोरोना के बाद ही हुआ है। तो चलो मीटिंग में चलते हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे अजय जी, अजय के साथ हमको एक मीटिंग में निकलना है। काफ़ी दिन से प्लान हो रहा था, क्लाइंट अजय का है, अजय बोला कि आपको फ्रंट फेस रहना होगा। तो चलो चल के देखते हैं, डील क्लोज होता है तो बल्ले बल्ले, और क्लोज होना ही है। जहाँ अजय है वहाँ क्लोज नहीं होने का चांस तो एकदम ही नहीं है। मास्टर माइंड है वो बंदा, लेकिन कसम से मार्केटिंग का खिलाड़ी है। देखते हैं, अगर ब्लॉग में आना चाहेगा तो लेंगे। पेट्रोल का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, कांटा एकदम पूरा ऑरेंज हो चुका है। बस रूबी में लेना है पेट्रोल, और उसके बाद अजय ऑलरेडी ऑफिस पहुँच चुका है, तो वहाँ जाके फिर मीटिंग अपना कम्प्लीट किया जाएगा। ये पेट्रोल पम्प ना इस रास्ते में, मतलब न्यू गड़िया या गड़िया टू सेक्टर 5 जाने में पहला पेट्रोल पम्प था, मैंने अभी बना है पहला। अदरवाइज इससे पहले इस रास्ते में एक भी पेट्रोल पम्प नहीं था। ऑफिस जाते वक्त अगर पेट्रोल लगा तो स्टफ हो जाता था। चलो 12:10 हो गया है, ये ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ भी बन गया, ये अच्छा है, अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है सारा जगह। खुशी बोल रही थी कलकत्ता में स्कॉर्पियो एन दिख नहीं रहा है, देखो ये क्या पता कौन सा वेरिएंट है, शायद 4-व्हील ड्राइव होगा ये गाड़ी पसंद है यार। किस्मत में अगर हुआ तो ये गाड़ी हम लोग जरूर लेंगे। प्लानिंग बहुत दिन से चल रहा है 7-सीटर का, 7-सीटर स्कॉर्पियो ये मॉडल आने के बाद ना, और प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा रखा है। बेस मॉडल शायद 11 या 11.5 लाख से स्टार्ट है, तो ये मैनेज हो सकता है, मतलब अभी ऑल ऑफ अ सडन नहीं, बट हाँ इसको
एक बार प्लान कर सकते हैं। मेरा एक दो दिन से चल रहा है थोड़ा सा रिसर्च इस पर, क्योंकि इस बार भी जब हम लोग घूमने गए थे ना तो आदि को लेके थोड़ा सा हम लोग को लगा कि नहीं अब, और वो छटपटाने लगता है, इतना झटका मारता है कभी कभी गाड़ी में कि सर ऊपर टकरा जाएगा, पैर सामने लगेगा और रोने लगेगा। ये भी एक अच्छा चीज़ दिख गया आज तो सुबह सुबह, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनिमल एम्बुलेंस, जाओ 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 भाई, जबकि गाड़ी सायरन बजाते हुए जा रहा है, गाड़ी में एक भी एनिमल है नहीं। इसे नया अलॉट हुआ है, ट्रायल में निकले हैं क्या है लोग, कि हम लोगों को देख के कोई साइड दे रहा है या नहीं। तो सेक्टर 5 5 किलोमीटर, देखो नाम भी एकदम मैच कर रहा है, सेक्टर 5 और 5 किलोमीटर यहाँ से। बस ये फ्लाईओवर में हम चढ़ेंगे और उसके बाद पहुँच जाएंगे सेक्टर 5 की ओर। तो गए चले अजय बाबू के ऑफिस 12th फ्लोर, सर्विस लिफ्ट 12 नंबर पे जाना है। अभी भी देखो ये इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, प्लाई लगाया हुआ है, बिकॉज सामान ट्रांसफर होता है ना, इसके वजह से कोई दाग वाग नहीं लग जाए, इसके लिए प्लाई लगता है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा सा लेट हो गए, शोर में जहाँ तक हमको पता है यही होना चाहिए। तुमने 10 पीओ अप्रूव किया, 10 पीओ बन गया है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैंने जब तक अपना पासवर्ड नहीं डाला पीओ क्लाइंट वेंडर के पास नहीं जाएगा। तो तुमने तो 10 बना दिया है, तो 10 पीओ दिखा रहा है, लेकिन मैंने पेंडिंग रखे रखा। चलो निकला जाए यहाँ से, जो एक्चुअल मीटिंग है वहाँ के लिए। तो 4:30 बज रहा है, मीटिंग हमारा काफ़ी बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत दिन बाद बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ। बस अब निकले, बाबू भैया का भी छुट्टी हो गया, फ़ोन किया था, टाइम हो गया छुट्टी का, तो बोला कि मैं निकल गया हूँ, बस बाबू को ले के हम लोग डायरेक्ट निकल चलेंगे घर को। चलो ये आया सेक्टर 5 का कॉलेज मोड, बहुत समय बिताया करते थे इस रास्ते पर हम लोग। खड़ा करके रखा है, हम लोगों को भी जाने दो। कहाँ गए अबे बाबू, फॉरेनर भी आ गया न्यू टाउन में। Where are you? Where are you? सुसु वाले घर के सामने खड़े हो गए हम लोग, कहाँ है अबे बाबू, चलो फोन किया जाए, 4:45 हो रहा है। अकेले बोला, बंधु बांधव के साथ है, कोई बंधु बांधव नहीं, अकेले आ रहे हैं। चलो हम मिलते हैं घर पर डायरेक्ट। इतना अच्छा सनराइज कभी दिखा नहीं था, तो भी इतना अच्छा लोकेशन, तुम फोटो लाना, तुम्हारे फोन से फोटो अच्छा आएगा, मस्त आ रहा है। और थोड़ा सा अगर डाउन हो जाए ना और पूरा क्लियर होगा, एकदम पूरा बस के कोना से झांक रहे हैं सूर्य देवता। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। गुस्सा होके 3 तकिया फेंका गया, क्योंकि क्योंकि इसको गोद में नहीं लिया आते साथ। अरे वो नहीं होगा, रहने दो उसको, हे भगवान इतना गुस्सा मत करो, उसको ही फेंको, उसको ही फेंको, ले ले, हाँ ले ले, आओ आओ आओ, आजा 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 आजा। 8:05 बाकी, देखो गया फिर मां के रूम में। भाई कहाँ पे ले, इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ वॉकर हम लोग खरीद कर आए थे कि ये चलना सीखेगा। ये वॉकर जिस दिन खरीद के आए थे उसे 2 दिन पहले से चलना सीख लिया था, फिर वो फोन मत टांगना, और अभी ये वॉकर एक खिलौना बन गया इसके लिए। इससे इस अदर माँ को बोलेगी जाके थोड़ा आराम कर लो, माँ गई उस रूम में, माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के चल जा रहे, बार बार माँ को बुला के ला रहे। माँ के रूम में गया, पेट फट जाएगा पेट, अरे 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 पेट फट जाएगा आज ही का।
कहाँ जा रहे हो? उधर कहाँ? कहाँ जाओगे? किस रूम में जाओगे? तो जाओ वहीं बैठो जाके। यहाँ रहना है? बोलो। चप्पल ना, चप्पल ना, गिर जाओगे। आप देखो चप्पल पहन के फिर गिर जाओगे। एक जगह बैठ के खेलो ना, हम जा रहे हैं फिर अपना काम करने। जाए हम? बोलो। अरे बेटा बाहर जाएगा ये तो। कुजी बाहर का देखो, बाहर का गेट पकड़ रहा है अब। हाँ जाओ। उधर कौन है आप? क्या करोगे झाड़ू का अभी? हाँ ए उस पर क्या हो रहा है? चलो हटो वहाँ से, हटो वहाँ। चलो गिरेगा गिरेगा, हटो वहाँ से, हटो। अरे इसमें पानी है रे भाई, उफ बहुत बदमाश हो गया लड़का। मैगी का पानी। अब फिर उसको झाड़ू को वहाँ क्यों फेंके? क्या गोद में लेना है? गोदी आओगे? गोद में तो आ गए। पैक क्या करना बोलो? चिमनी चलाओगे? सब नहीं करना, बदमाशी नहीं करना। रुको चलो बैठो, तो तुम उस रूम में खेलना चल के। जब से बाबू का ये मॉर्निंग वाला शिफ्ट शुरू हो गया ना, मैगी को बहुत आराम हो गया। आराम क्या, मैगी अपना शेड्यूल पूरा चेंज कर दिया। मतलब बाबू आता है ऑफिस से, कितने बजे आया मेरे साथ? करीब 5 बजे आया। उसके बाद आके वो डिनर उसी वक्त कर लेता है, जो भी हो, अगर दोपहर का हो खाना तो वो, या फिर माँ उसके लिए रेडी करके रखती है। वो जो डिनर करेगा बाबू और वो जो घुसेगा पलंग में, बस मैगी भी उसी के साथ चिपक के उसी वक्त से सो जाती है ना। मैगी का खाने का कोई टाइम टेबल अभी है? बाबू के टाइम के साथ पूरा ऊपर नीचे जा रहा है। अभी देखो 8:30 हो रहा ना, अभी खिलाने जाएंगे, आधा खाएगी। बाबू उठता है भोर 3 बजे, बिकॉज शायद 4 या 4:30 बजे कैब आता है। अब उस वक्त उठेगी और उस वक्त खाएगी, फिर उसी हिसाब से वो भी अपना डाइट पूरा कर ली है। चलो कोशिश करते हैं खिलाने का। ये है मैगी रानी का दूध रोटी, भिगा के रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा रेडी कर लें। आधा खाई, बाकी का आधा कल सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब उठ जाए मैडम। चलो खुशी का भी हो गया है, अब खुशी लगेगी रोटी बनाने में। आदि बाबा इस रूम में बंद है माँ के साथ, उनका भी खाना पीना चल रहा है। तो 10 बज के ही झटका क्या मार रहे? तो मार के चला गया फ़ोन पे, बदमाश बच्चा। तो 10:42 हो रहा है और आज बैठे बैठे हम लोग अपना अगला ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि अगला ट्रिप कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। एक लोकेशन मेरे दिमाग में है और वो लोकेशन फाइनल भी बहुत दिन से करके रखा है। वो थोड़ा सा डिपेंड करता है खुशी की छुट्टी के ऊपर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई छुट्टी है। क्या हुआ? देखो आ गया फिस फिस फिस। हो गया, तुम कुछ बोलोगे ना हम खत्म कर ले। चलो ये आगे बीच में टोकता रहेगा अभी। तो वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन अगर विंटर में कर पाए, मतलब अभी यहाँ तो विंटर है नहीं, पसीना हो रहा है मेरे को और आज फैन चलाना पड़ रहा। एग्जैक्टली अगर प्लान हो जाता है तो फिर वहाँ का किया जाएगा। आदि बाबा थोड़ा अभी डल चल रहे हैं, सर्दी नहीं खांसी से परेशान है। सर्दी उड़ीसा में था, पुरी में जब थे उस वक्त थोड़ा सर्दी था इसको, बट आने के बाद अभी खांसी से बेचारा परेशान है। इधर इधर आना, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा बात करें हम लोग। दवाई खाता बहुत मस्त है मेरा बेटा, दवाई जितना भी दे दो, दवाई में कोई परहेज नहीं, दवाई खा लेगा। अभी खुशी खिला भी दे दो। कौन सा खाया अभी? कोलिजा खाया, और बाकी है कुछ? देखो, हाथ में लेके घूम रहा है। देखो अभी अभी कफ सिरप खिलाना है, कफ सिरप कितना, कोई भी दवाई जगह हुआ रहे तो आराम से खा लेगा। सोने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। चलो दवाई खाओ, दवाई खाओ, दवाई दवाई खाओगे? अरे ये क्या कर रहे हो? देखो नमो 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 नमो। आज तो माथा ठोका। आज एक बार वीडियो कॉल आया था मेरे भैया का, उस वक्त वो लास्ट माउस वाला वो देखे थे वीडियो, कि माउस से जब सर पे मार रहा था उस वक्त अपना एक ट्रेन लेके खेल रहा था वो, बस खाली उधर से बोल दिया माथा ठोका, वो ट्रेन से ही माथा पे मारने लगा।
हाँ वहां भी जब बोले ना माथा ठोकने, वो लेके ऐसे जमीन पे माथा मार दिया ऐसे लेके, माथा ठोको सिर्फ इसको बोल। हाँ चलो दवाई खाओ, दवाई खाओ। लग गए बोला ना, लग गए। क्या क्या बोलते हो तुम, चलो दवाई खाओ, दवाई खाओ, जल्दी दवाई खाओ, वीडियो फिर खत्म करना है ना। बाप रे गुस्सा देखो, छबास मुंह का हाल देखो, छी 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 छी। तो दवाई नहीं खाओगे तुम? आगे दवाई, आगे नया दवाई, नया दवाई, नया दवाई, अरे नया दवाई, वाह नया दवाई, नया दवाई। दवाई खाओगे तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह, अरे वैसे इतना गुस्सा को कौन बैठने बोला तुमको, ठीक से बैठो, आदमी को बच्चा की तरह उठो। हाँ बैठो, बैठो, एक दूसरा दवाई का डब्बा दे देंगे, आओ बैठो। अरे वहां कौन खिलाएगा फिर तुमको, काटने के लिए दो। गुस्सा हो जा रहा है क्योंकि इसके हाथ में कोई दवाई का डब्बा है नहीं, इसको एक दवाई का डब्बा चाहिए। अरे अरे ये तो इसका ढक्कन कहाँ है, मुंह ये तो इसका ढक्कन है। अरे सुबह पूरी अभी खाबी तो, खाबी तो उसे, खाबी तो उसे, खाबी तो। अरे सब तो रखा हुआ है यहाँ पे, क्यों इतना नखड़ा कर रहे हो? किस चीज का ड्रामा हो रहा है इतना? हाँ ले लो, ले लो, ले लो, ये तुम्हारा ही ले लो। हो गया, मिल तो गया, लो लो लो, खुशी खिलाओ। अब आपके अच्छा ढक्कन नहीं था उसमें, पूरा सिस्टम बना के नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? रुको रुको, हम लगा दे रहे दो। हाँ अब खा लेगा। आह अच्छा है, हाँ अच्छा है, अच्छा लगा? अरे बोलो हाँ कि नहीं, अच्छा है कि नहीं? लाइट देखो, क्या देखो, अच्छा लगा, अच्छा है? माथा माथा हिला के करो, अच्छा नहीं हो मतलब, नहीं तो तुरंत बोल देता है। अरे उसका नहीं ढक्कन तुम्हारे पास, इसका है भाई, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें। क्या किया अभी, एक बार करो फिर से। हा 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 हा। अच्छी।